दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 10 कॉमन मिथ्स अबाउट SIP इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया मैंने इस म्यूचुअल फंड में SIP करा है, मस्त है। मस्त नहीं है, बहुत सारे मिथ्स हैं SIP को लेके। तो 10 मिथ्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस चैनल पे मैंने बहुत सारी पावरफुल वीडियो बना रखी है, नहीं देखा है तो जाके देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फटाफट हम लोग जल्दी से इन 10 कॉमन मिथ्स को देख लेते हैं वन बाय वन करके। तो पहला क्या है भैया, SIP अमाउंट इज फिक्स्ड। एक बिगनर्स को लगता है कि भैया मैंने XYZ म्यूचुअल फंड में 5000 का SIP शुरू कर दिया, तो ये जो अब SIP अमाउंट है बढ़ेगा नहीं, ये फिक्स्ड हो गया। तो ये गलत है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इसमें अपना SIP अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा मैं आपको ऑलवेज बोलता हूं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो जैसे मान लीजिए 2000, 3000, 5000 जो भी आप SIP कर रहे हैं, उसमें हर साल अपने फंड के हिसाब से 5%, 10% या 15% या 20% कर सकते हैं। तो 20% आपको बिल्कुल टॉप अप करना चाहिए, जिससे आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर लेंगे और आपका पैसा भी कंपाउंड होता है। तो पहला मिथ तो ये है। और SIP में सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप SIP कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5000 की SIP कर रहे हैं और आपकी SIP 1 तारीख को डिडक्ट होती है आपके अकाउंट से, तो SIP की ब्यूटी तो यही है कि आप भैया डेट चेंज करना है कि नहीं भैया 1 को सैलरी अब नहीं आ रही है, 7 को सैलरी आ रही है, तो आप 7 को भी कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार डेट चेंज नहीं होगा, तो SIP की ब्यूटी यही है, आप अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं, जो भी पैसा आपका डिडक्ट हो रहा है उसका डेट भी चेंज कर सकते हैं। तो SIP में यही फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि नहीं भैया मैंने SIP स्टार्ट कर दिया तो अब ये बढ़ेगा ही नहीं, इसका डेट भी चेंज नहीं होगा। तो ये पहला मिथ तो ये है। दूसरा है, SIP इज ओनली फॉर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स, SIP इज ओनली फॉर स्मॉल इन्वेस्टर। दो पार्ट ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया SIP जो है टाई बेल्ट वालों के लिए है, जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो MBA है, BCom है, MCA, CFA है, वही लोग SIP में इन्वेस्ट करते हैं। गलत। आपको कुछ भी नहीं आता है, आप अपना जो भी प्राइमरी वर्क है उस पर फोकस करिए, और जो भी पैसा बचा रहे हैं आप 5000, 2000, 500, 100 रुपया भी आप इंडेक्स में इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, SIP शुरू कर सकते हैं। तो पहला गलत है कि एक्सपीरियंस जो इन्वेस्टर है वही जाके SIP करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि भैया जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं उनके लिए SIP है। गलत। कौन बोलता है आपको ये? नहीं, SIP जो है बिल्कुल, अगर आप 1 लाख महीना कमा रहे हो, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आप अपने फंड के हिसाब से और अपने रिस्क के हिसाब से और अपने गोल के हिसाब से SIP कर सकते हैं। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि भैया जिसका आमदनी 20,000, 15,000 मंथली है वही SIP करेगा। नहीं, आपकी सैलरी जितना भी है, आपके पास जितना पैसा है उस हिसाब से इन्वेस्ट करिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट भैया 10, 20, 50 लाख का कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट, स्टॉक मार्केट समंदर है, समंदर। तीसरा है, SIP ऑफर गारंटेड रिटर्न्स। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया SIP कर रहे हैं ना तो SIP में गारंटेड रिटर्न मिलेगा, कि देखो इस म्यूचुअल फंड ने 20% का CAGR निकाल के दे रहा है तो हर साल 20% का रिटर्न निकाल के देगा। गलत। देखो इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं होता है। बहुत सारे टाई बेल्ट वाले बोलते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करो मैं लिख के देता हूं, तो लिख के देने वाला कोई हिसाब किताब नहीं होता है। और SIP में कोई फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं होता है FD के जैसा। जैसे FD अगर आप करते हैं ना तो FD में क्या है कि रिटर्न्स आपको कम मिलता है, लेकिन वहीं पे अगर आप SIP इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं कोई भी रिटर्न्स जो है फिक्स्ड नहीं रहता है। ये रिटर्न्स जो है टोटली डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर मार्केट में तेजी रहेगी तो आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, अगर मार्केट में गिरावट रहेगी तो आपको रिटर्न्स कम मिलेगा। लेकिन SIP ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए, और पैसा आपका कंपाउंड होता है लॉन्ग रन में। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ब्यूटी को समझिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल आप SIP करेंगे तब आपका पैसा ऐसे धीरे धीरे कंपाउंड होगा। तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भैया SIP कर रहे हैं तो इसमें दबा के रिटर्न्स मिलेगा। तो पास्ट रिटर्न्स आपको नहीं देखना है, गारंटी रिटर्न्स नहीं होता है। SIP में बिल्कुल रिटर्न्स मिलता है लेकिन
लंबे समय में। अगला जो मिथ है कि SIP इज ओनली फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। यस, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया SIP कर रहे हैं तो सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्ट करेंगे। नहीं, अब जैसे कि म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे हेड्स हैं। इक्विटी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाइब्रिड फंड भी होते हैं उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे हेड्स, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर को लगता है कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ इक्विटी ही होता है। नहीं, इक्विटी नहीं होता है, बहुत सारे इसमें कैटेगरी है। इस पर मैं सोच रहा हूँ डेडिकेटेड वीडियो बनाने का, तो इसमें डेट, हाइब्रिड और इक्विटी, और इक्विटी में भी बहुत सारे हेड्स होते हैं कि लार्ज कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप है, राइट, ELSS है, इंडेक्स फंड है, तो बहुत सारे इसमें हेड्स आ जाते हैं। अगला जो मिथ है कि SIP जो है सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए होता है। नहीं, जैसे एक इन्वेस्टर है, राइट, एक इन्वेस्टर ने बोला है कि भैया ना मेरे को एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, तो आप एक साल के लिए भी कर सकते हैं, 6 मंथ के लिए करना है 6 मंथ के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया ना कि म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी कैटेगरी है, डेट है, हाइब्रिड है, इक्विटी है, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से अगर आपको एक साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, तो जो आपका गोल है उस हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें रिटर्न्स आपको कम मिलेगा, रिस्क भी ज्यादा होगा और आपको उस हिसाब से फंड में इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को यही लगता है कि यार म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट इसलिए नहीं करता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि SIP करना है तो लंबे समय के लिए करो। लेकिन लंबे समय में कैसे करो यार, अभी तो शादी भी करना है, घर भी खरीदना है, कार भी खरीदना है। अरे भैया ये सब खरीदना है तो SIP शुरू कर दो। और जो भी अमाउंट, कौन बोल रहा है कि 10 लाख रुपया से SIP शुरू करो, 500, 1000, 2000 बचाइए और SIP शुरू करिए। तो लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए भी आप छोटा छोटा गोल बना के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगला जो है, अगला है लाइक। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगला पॉइंट है, यू नीड अ लार्ज अमाउंट टू स्टार्ट SIP। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बिजनेस को लग रहा है कि यार म्यूचुअल फंड में SIP करना है, लेकिन मेरी सैलरी तो यार 15,000 पर मंथ है, इसमें तो अभी जितना महंगाई बढ़ गई है हमारा पैसा बचता ही नहीं है। तो जैसे मैं आपको बताया ना कि भैया अभी यंग हैं, अगर आप यंग हैं तो जैसे मान लीजिए 100% यहाँ पे सैलरी ले लेते हैं, तो नीड वांट्स पे यहाँ पे 70% खर्चा कर लीजिए, 30% आपको ये बचाना चाहिए और इसको बचा के पैकेट में न रख के इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए। 30% नहीं बचा सकते, 20% बचाइए, लेकिन यंग है तो बिल्कुल 20-30% आपको बिल्कुल बचाना चाहिए और इस पैसे को SIP में लगाना चाहिए। और SIP में आपको ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा अमाउंट है, पैसा नहीं बचता है कोई बात नहीं, 500 रुपया तो बचा सकते हैं, 500 रुपया बचाइए और इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट शुरू तो करिए और हर साल इसमें बढ़ाते रहिए, 1000 रुपया बचाइए, 1000 रुपया आप SIP करते रहिए, तो आप 100-100 रुपया भी आप इंडेक्स में SIP शुरू कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि SIP की ब्यूटी यही है कि 100-500-1000 रुपया से भी आप SIP शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भैया आपके पास 1 लाख रुपया रहेगा तभी आप SIP करेंगे। अगला जो पॉइंट है कि SIP आर ओनली फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स। बहुत सारे लोगों को ये भी मिथ्स है, तो बहुत सारे लोगों के मन में मिथ्स है कि सैलरीड जो इंडिविजुअल्स हैं वो लोग SIP करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिजनेसमैन हैं या फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं या आप एक्स्ट्रा सोर्स या फ्रीलांसिंग करके जो पैसा कमाते हैं, आप जो भी प्रोफेशन में आप SIP कर सकते हैं, सैलरीड पे ही मुहर नहीं लगी है, समझ में आया। तो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जो भी भैया पैसा जहाँ से भी कमा रहे हैं, आप उसमें से पैसा बचा के आप म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है कि SIP इन लो NAV फंड्स विल ऑफर हायर रिटर्न्स। जैसा कि रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक को ही ले लेते हैं, जैसे 1 रुपया वाला पेन स्टॉक है और एक यहाँ पे सॉलिड कंपनी है जिसका एक शेयर जो है 2500 रुपये का मिल रहा है। अब आप बताइए कि क्या खरीदना पसंद करेंगे। मैं सही बता रहा हूँ, 80-90% रिटेल इन्वेस्टर जाके 1 रुपया वाला स्टॉक खरीदेगा कि उसको मालूम है कि भैया 100 रुपया यहाँ पे खर्च करूंगा तो 100 क्वांटिटी मेरे को मिल जाएगी और यहाँ पे मैं 100 रुपया खर्च करूंगा तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे एक शेयर खरीदने के लिए 2500 रुपया खर्च करना पड़ेगा। ये मेंटेलिटी होती है। लेकिन यहाँ पे मालूम है कि भैया पेन स्टॉक में क्या घपला होता है, बहुत सारे मैनिपुलेशन होते हैं, लेकिन इस 2500 वाले स्टॉक्स में वो खरीदारी नहीं करेगा,
सिमिलरली म्यूचुअल फंड में भी यही है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड है, इसकी एनएवी अभी जो है 25 की है, ये सेम कैटेगरी में ये भी एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड है, इसकी जो एनएवी है 50 की है, तो ये इसमें इन्वेस्ट करना सही नहीं बन रहा है, इसमें इन्वेस्ट करो क्योंकि इसकी एनएवी 25 की है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ्स है, ये गलत है। तो आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसका क्या देखिए, परफॉर्मेंस देखिए, टॉप 10 होल्डिंग देखिए, रिस्क देखिए, एलोकेशन देखिए, एवम देखिए, एक्सपेंस रेशियो देखिए, ये सब देख के आपको जज करना है, ना कि आपको एनएवी देखना है, क्योंकि एनएवी की यूनिट देखेंगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी आपको। तो बहुत सारे लोग यही देखते हैं कि भैया इस म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी 25 है, चलो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये गलत अप्रोच है। अगला है, डोंट इन्वेस्ट थ्रू एसआईपी इन अ बुलिश मार्केट। जब भैया मार्केट में तेजी आ जाए तो एसआईपी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत सारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स को लगता है, तो ये भी बहुत बड़ा मिथ्स है। क्योंकि जब आप किसी भी एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं और मार्केट में देखिए तेजी आ रही है, तो मार्केट में तो ये चलता रहेगा, मार्केट का तो नेचर है कभी तेजी कभी गिरावट, कभी तेजी कभी गिरावट। तो जो आपका गोल है कि भैया मुझे 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप जब मार्केट की वोलेटिलिटी होती है उसमें आपकी एनएवी जो है एवरेज आउट हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया जब मार्केट में तेजी आ जाए तो आपको एसआईपी नहीं करना चाहिए, एसआईपी को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट में तेजी आ भी रही है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और आपने यहाँ पे किसी म्यूचुअल फंड में यहाँ पे एसआईपी शुरू करा, राइट, और मान लीजिए कि 6 महीने में मार्केट नीचे गिर गया, 6 महीने मार्केट गिर गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट 6 मंथ में जो भी आपने यहाँ पे एसआईपी करा है उसकी एनएवी भी तो आपको सस्ता मिलेगी, और जब मार्केट यहाँ से रिबाउंड करेगा तो फिर से आपको यहाँ पे शानदार रिटर्न्स मिलेगा, क्योंकि आपने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया है। और हाँ, लेकिन वहीं पे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए 2 महीने या 3 महीने के लिए और ऊपरी लेवल पे जाके आप एंट्री यहाँ पे ले लेंगे, तो मार्केट में गिरावट आएगी तो आपको यहाँ पे निगेटिव रिटर्न्स मिलेगा। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है जब लंबे समय के लिए है, तो आपको एसआईपी कभी भी शुरू कर देना चाहिए, इसमें आपको बुल और बियर के चक्कर में नहीं पड़ना है, ना ही आपको मार्केट का सेंटिमेंट देखना है। एसआईपी करने के लिए मुझे लग रहा है कि मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने गोल के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से आप स्कीम पहले सेलेक्ट करिए और उसमें एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है कि एसआईपी नेवर इनकर अ लॉस, एसआईपी में कभी लॉस नहीं होता है, ये भी एक मिथ्स है। तो देखो भैया, एसआईपी में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एसआईपी आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड आपको पहले स्कीम सेलेक्ट करना आना चाहिए कि आपके गोल के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड है, और इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिस्क जो है कम हो जाता है, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी जो है कम हो जाती है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मार्केट में जो लंबे समय तक टिकता है वो पैसा बनाता है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी। और म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे लोग जाके थीमेटिक फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो थीमेटिक फंड का नॉलेज नहीं है तो आपको लॉस हो जाएगा। क्योंकि थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सेक्टर देखना बहुत जरूरी है कि भैया इस सेक्टर में आने वाले दिनों में कैसा ग्रोथ है, समझ रहे हैं। तो बहुत सारे बिगनर्स को क्या लगता है कि भैया ये थीमेटिक फंड सस्ता मिल रहा है, इसमें खरीदारी कर लो, तो थीमेटिक फंड में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो एरू गैरू स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आप एसआईपी शुरू कर दिए किसी भी स्कीम में तो आपको लॉस नहीं होगा, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ्स है। नहीं, अगर आप सही सिलेक्शन नहीं करेंगे, अगर आप सही म्यूचुअल फंड में सिलेक्शन करके इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो भैया पैसा नहीं बनेगा, तो ये भी एक बड़ा मिथ्स है। तो ये रहे 10 पॉइंट्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद नहीं होगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस चैनल पे जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखी है कि एसआईपी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए, पर्सनल फाइनेंस पे बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आपके ऊपर डेट है तो डेट को कैसे जलाना है, लमसम करना है कैसे लमसम करना है, कैसे स्टैगर्ड मैनर में हमें कब और कैसे लमसम करना चाहिए, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है। कौन सा ऐसा एसेट्स है जो हमें जल्दी पैसा बना के दे सकता है, तो इन सारे टॉपिक पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, नहीं देखा है जाके देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, थैंक यू।